हेलो दोस्तों। तो बहुत सारा ड्रामा, कॉमेडी और बकवास भरी मूवी देखने के बाद कुछ अच्छा देखने को दिल करता है, तो वहीं पर हमने थंगनाल मूवी को चूज़ किया देखने के लिए, क्योंकि इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि नहीं, कुछ क्लासिक सिनेमा हमें देखने को मिलेगा जहां पर दिल इसे देखने के बाद बोलेगा कि नहीं, ये देखने लायक था, ये बर्दाश्त करने के लायक था। लेकिन ये मूवी उससे भी कुछ ऊपर जाती है। खैर, मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो मूवी की स्टोरी को शुरू करते हैं। मूवी की स्टोरी टेक प्लेस करती है 1850 में, जहां पर थंगलान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहता है। गांव का मुखिया है। थंगलान की गांव में इज्जत काफ़ी सारी है और गांव के बाकी लोग जो हैं वो मजदूर हैं, ज़मींदार के खेत में काम करने के लिए मजबूर हैं। वो एकदम से भूखमरी से मर रहे हैं। वहीं पर जो है थंगलान अपने बच्चों को एक कहानी सुनाता है पति के बारे में, जो कि एक जादूगरनी थी, एक देवी थी, या यूँ कहे कि कुछ भी था, लेकिन वो उसकी कहानी सुनाते हैं जहाँ पर वो किस तरीके से अपनी ज़मीन की रक्षा करते थे और थंगलान की फैमिली जो है सोना निकालने का काम करती थी और किस तरीके से वो रहा करते थे वहाँ पर। राजा ने जब वहाँ से सोना निकालने की कोशिश करी तो जो आरती है उसने जादू का इस्तेमाल किया, उससे लड़ाई करी, जो भी किया, लेकिन वो अपनी ज़मीन और सोने को सुरक्षित रखा। वहीं पर हम थंगलाल को देखें तो वो ज़मींदार के कर्ज के तले डूब चुका है, मजबूर हो चुका है। वहाँ पर एक ब्रिटिशर्स ऑफिसर आता है और बोलता है कि मुझे यहाँ से सोना निकालना है, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें इंसेंटिव दूंगा उसके बदले में, जिससे तुम अच्छे से रह पाओगे। तो वहाँ पर थंगलाल जो है वो सोना निकालने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि पूर्वज भी उसके वही काम कर रहे होते हैं, तो वो सोना निकालने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ पर आरती बहुत सारी कोशिश करती है उसे रोकने के लिए, जादू का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो उसे बिल्कुल दाद नहीं देता है। वहाँ पर वो अपना काम चालू ही रखता है और बाद में जब आरती को जो थंगलाल का रिश्ता है वो पता चल जाता है और जैसे तैसे वहाँ से थंगलाल जो है सोना निकाल लेता है। अब वो जो कॉलोनी है वो अब तो अच्छी हो गई होगी वैसे, बाकी आप मूवी देखोगे तो आपको पता चली जाएगा। पूरी स्टोरी मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, अगर यहाँ पर बता दूंगा तो आप मूवी देखोगे ही नहीं। बाकी ये मूवी काफ़ी क्लासिक है और इसे देखने पर मज़ा भी आता है। जहाँ पर अगर कुछ अच्छा देखने का मन करे आपका भी, तो आप इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं। सजेस्ट मैं यही करूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूनिवर्सल एक्सप्लेन।